नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों अब हम चलते हैं, क्या कहते हैं, अपने अगले वीडियो जो पर्यावरण पर है, तो वन लाइनर के रूप में स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये वन लाइनर अभी फ़िलहाल इसलिए है क्योंकि हाल में ही कुछ एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं जो जिनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बाकी डिटेल में मैं इन सारे टॉपिक्स को आपको बाद में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों वन लाइनर के रूप में पहला आज का क्वेश्चन है कि वायुमंडल की स्थायी गैस कौन सी है, ठीक है। तो वायुमंडल की जो स्थायी गैस है दोस्तों वो नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है दोस्तों वो वायुमंडल में 78% है, ठीक। अगला सवाल है दोस्तों दूसरा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है 21%, ठीक है। तो एक्चुअली जो है वो 20.95% है, तो लगभग इसको 21% मानते हैं, ठीक है। तो फिर अगला सवाल है दोस्तों कि वायुमंडल में कि 99% गैसें कौन सी हैं। वायुमंडल की 99% दो गैसें हैं दोस्तों, एक है नाइट्रोजन और दूसरी ऑक्सीजन। जब आप इन दोनों की मात्रा को मिला देते हैं, 78 और 21 को मिला देते हैं, तो वायुमंडल की 99% गैसों की संरचना होती है, ठीक है। फिर अगला सवाल है दोस्तों चौथा कि वायुमंडल में उपस्थित एकमात्र अक्रिय गैस कौन सी है। अक्रिय गैस यानी कि जब हम लोग रसायन विज्ञान में दोस्तों आवर्त सारणी में पढ़ते हैं तो उसमें जो जीरो वर्ग के तत्व हैं, ठीक है, तो उसमें जो तत्व हैं उसमें एक गैस है जिसे ऑर्गन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका सिंबल AR होता है, ठीक है। तो एकमात्र अक्रिय गैस ऑर्गन है जो वायुमंडल में उपस्थित होती है, शेष सारी नहीं होती हैं, इनको बनाया जाता है, और इसका जो प्रतिशत है वो 0.93% है, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो वायुमंडल में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.034% या 0.03% या फिर हम कह सकते हैं कि 0.04% है, ठीक है। तो दोस्तों ये दोनों आप लोगों को डेटा थोड़ा याद रखना है, जैसा क्वेश्चन होगा वो आपका वैसा आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों कि ज्वालामुखी क्रिया के समय वायुमंडल में प्रदर्शित होने वाली गैस कौन सी है, तो दोस्तों ये अक्रिय गैसों में से एक गैस है रेडॉन, ठीक है। इसको कभी कभी सॉयल गैस के नाम से भी जानते हैं, तो ये उपस्थित होती है जब ज्वालामुखी क्रिया संपन्न होने वाली होती है, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि वोल्केनिज्म की एक्टिविटी यानी कि ज्वालामुखी की क्रिया होने वाली है कहीं, ठीक है। तो अगला वायुमंडल में इसकी उपस्थिति हो जाती है। अगला सवाल है दोस्तों कि वायुमंडल के स्तरों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों वायुमंडल को कई स्तरों में बांटा गया है, ठीक है, तो इनकी संख्या 5 है, ठीक है। तो 5 स्तर कौन कौन से हैं, ये अगले सवाल में है दोस्तों कि वायुमंडल के स्तर कौन कौन से हैं, तो दोस्तों हम ये स्टार्ट कर रहे हैं नीचे से ऊपर के क्रम में, ठीक है, यानी कि जो सबसे पहले धरातल के पास में स्तर है वहां से स्टार्ट करेंगे और फिर क्रमशः ऊपर जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहला स्तर पड़ता है क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर, ठीक है। दूसरा है आपका समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। फिर अगला है मध्य मंडल मीजोस्फियर, अगला है आयन मंडल यानी कि आयनोस्फियर, फिर है वाह्य मंडल यानी कि एक्सोस्फियर। तो ये क्रमशः है नीचे से ऊपर के क्रम में, ठीक है। फिर अगला सवाल है दोस्तों, नवा सवाल है कि वायुमंडल का जो स्तर है उसमें सबसे कम तापमान वाला मंडल या स्तर कौन सा है, तो सबसे कम तापमान वाला स्तर या मंडल जो है वो मध्यमंडल है यानी कि आपका मीजोस्फियर है, ठीक है। मीजोस्फियर या इसकी एक सीमा मीजोपॉज कहलाती है, उसका टेम्परेचर सबसे कम होता है, ठीक है। तो इसका जो मंडल है इसका तापमान या टेम्परेचर -130°F या -90°C होता है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अगला 10वां सवाल है कि संचार व्यवस्था में सहायक मंडल कौन सा है, तो संचार व्यवस्था में सहायक मंडल आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर होता है। संचार व्यवस्था यानी कि कम्युनिकेशन हेल्प में या कम्युनिकेशन में जो सहायता करता है या नेविगेशन में जो सहायता करता है मंडल, ठीक है, सैटेलाइट्स के माध्यम से या सैटेलाइट की सहायता करने वाला जो मंडल है, ठीक है, वो सारा का सारा मंडल आपका आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर है। दोस्तों लास्ट सवाल है 11वां कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है, तो हवाई जहाज दोस्तों उड़ता है समताप मंडल में। क्यों उड़ता है दोस्तों समताप मंडल में,
जो इसकी निचली सीमा है वो क्षोभ मंडल है, ठीक है। उसके बाद में समताप मंडल दूसरी सीमा है वायुमंडल की। समताप मंडल में इसलिए दोस्तों उड़ता है क्योंकि यहाँ पे जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है टेम्परेचर स्टेबल है और वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प नहीं मिलती है, ठीक है। और जल वाष्प ना मिलने के कारण से यहाँ पर जो है मौसमी घटनाएं संपन्न नहीं होती हैं, जैसे बादल का बनना, ठीक है, बारिश का होना, बिजली का चमकना, ठीक है, इस तरीके की घटनाएं नहीं होती हैं जिससे वायुयान सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। इस कारण से ये समताप मंडल में उड़ता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ में। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और इसके साथ साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नए नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।